वेलकम बैक टू द चैनल समानस। टुडे वी गॉट अ सीजन 21 वॉर वीडियो। ओके, सो ये अपना है सेकंड वॉर है, ठीक है। और इसमें मैं लेने वाला हूँ पांच सिक्स प्लस टू मिनी बॉस, और उसमें वो मिडल वाला मिनी बॉस भी आ गया, हजार्ड शिफ्ट वाला, ठीक है। तो जो हम टीम लेके जा रहे हैं इस बार, वो भी विदाउट गोस्ट वाली होगी, जिसमें होगा अपना निक फ्यूरी, वॉरलॉक और क्वेक। क्वेक बिकॉज आज जो है हमारा फ्लो है, ठीक है, स्टबन नहीं है आज हमारा, इसलिए। और फर्स्ट डिफेंडर हमारा जो है वो है मैजिक। ये देखिए, बड़ी सिंपल फाइट्स है क्वेक के साथ, क्योंकि क्वेक जो है मिस्टिक क्लास वाले के चैंप्स को बिल्कुल धाराशाही कर देती है। देखिए सिंपल है, और इस पे तो सुसाइड्स भी ऑन है, तो वैसे ही इसकी हेल्थ चली जाएगी। फर्स्ट वाली इस पे नोड है अग्रेशन फ्यूरी वाली, बट डजंट मैटर दैट मच। ये देखिए, एक ही आफ्टर शॉक में 50% प्लस चली गई हेल्थ। ये देखिए, अंडर 30 सेकंड किल, कम ऑन क्विक, जस्ट बैंक्स देम। सो नेक्स्ट वी गॉट इज मॉर्निंग स्टार। ओके, तो मॉर्निंग स्टार ऑल्सो इजी सोलो। इस पे नोट्स है अपने पावर फोकस और पावर अल्टरनेटर। क्वेक पे तो पावर अल्टरनेटर काम करेगा नहीं, बिकॉज हम तो ओपोनेंट्स को हीट करेंगे नहीं, तो पावर तो हमें मिलेगा नहीं, तो अल्टरनेट क्या करेगी वो। तो ये भी इजी फाइट रह गया। ये अंडर 1 मिनट के लिए देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट इज मिस्टर फैंटास्टिक, ठीक है। ये फाइट एक्चुअली मेरे को नहीं करने थे, लेकिन मैंने कर ली, लेकिन फिर भी तो इस पे नोड है स्टडी बिल्डअप फ्यूरी और हैवी हीटर्स। हैवी हीटर्स यानी कि इसके हैवी, जब ये हैवी चार्ज करेगा तभी अनस्टॉपेबल रहेगा, तो इसका हम काउंटर हैवी नहीं कर सकते। लेकिन निक मॉन्स्टर, उसके ब्लीड कमाल है भाई। ये देखिए कितनी जल्दी फाइट खत्म हो जाएगी, मालूम भी नहीं चलेगा आपको। दो कॉम्बो खत्म, अंडर 30 सेकंड किल अगेन। और इस फाइट में एक भी किल नहीं गया अपना। सो हियर कम्स व्हाट इज इट कॉल, हाँ, मिक्स मास्टर कॉग, ठीक है। और स्टबन तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे फ्लो है, तो हम इजीली इसको क्वेक कर सकते हैं। 6 स्टार रैंक 2 है, और यहाँ पे मैंने 15% बूस्ट इसके लिए लगाया कि ताकि फाइट जल्दी ख़त्म हो सके, ठीक है। और कुछ नहीं है ज़्यादा, परफेक्ट क्विक फाइट होगी ये। ये देखिए 8K का डैमेज मिल रहा है अराउंड आफ्टर शॉक से।
सिक्स के एट के बीच में रहता है, चलता रहता है, लेकिन कुछ शायद 8-10 आफ्टर शॉक में फॉर्ट डाउन हो जाएगा, काउंट नहीं किया था। प्रोवेस बिल्ड करेगा लेकिन उसका कोई मीनिंग तो है नहीं, उसको एसपी तो मानना है नहीं, और हमें कौन सा ब्लॉक कर लेना है उसका एसपी के, हमें डर रहेगा उसका ब्लॉक डैमेज का। सी दैट कॉर्ग मेल्टिंग अवे, क्वेक ने मजाक बना के रख दिया यार कॉर्ग का, मिक्स मास्टर वाले। ये तो फ्लो था, इसके लिए स्टबन रहता तो एक्चुअली हार्ड रहता है यहाँ पे, लेकिन फ्लो पे तो क्वेक फ्लो लेसले कर लेती है इसको। लेम जोक। और ये देखिए लास्ट एंड बूम, अंडर 2 मिनट किल, नाइस। और ये मोडो फाइट ना बहुत ही मस्त होने वाली है सही में। ये इस पे नोड है फोर्स ऑफ विल, ठीक है, इसको हम हैवी चार्ज करते रहेंगे, ठीक है, फिर भी उसका वो पावर गेन आएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ विल नोड में क्या है कि वो फोर्स ऑफ विल नोड में क्या है कि इम्यून टू एबिलिटी एक्यूरेसी मॉडिफिकेशन होता है वो। तो ये फाइट बहुत ही मस्त रही, वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट फाइट बोलेंगे हम आज इसको, आज के पावर की। क्योंकि आप देखिए इसमें फाइट तो स्टार्ट हो गई अपने यहाँ पे, तो हैवी चार्ज चालू है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये इम्यून है एबिलिटी एक्यूरेसी मॉडिफिकेशन से, तो ये देखें इसका पावर गेन आया, लेकिन हम इसको हिट नहीं कर सकते। यहाँ पे इंटरसेप्ट कर लिया मैंने और उसको SP2 पुश कर दिया और ये पावर गेन ऑफ कर दिया उसका पैरी करके। अब ये SP2 मारे बस जस्ट लाइक दैट। और क्रम्बलिंग आर्मर से हमें फ्री का रीजन भी मिल रहा है। ये देखिए इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हम आगे और वेट करने के अलावा। और मोरो की एक बात बहुत ही अजीब है कि जब उसका पावर गेन होता है तो वो पैसिवली बिहेव करता है, बहुत ही ब्लॉक ही किया जाता है बस, ना तो SP यूज करता है ना अपना कॉम्बो मारता है। ये देखिए यहाँ पे एक मेरे से मिस्टेक ये हो गई कि वो आफ्टर शॉक से स्टन होने वाला था, लेकिन मैंने उसको हिट कर दिया, मेरे को मालूम नहीं था। और ये देखिए यहाँ पे फनीएस्ट पार्ट ऑफ द फाइट, ब्लॉक में SP1 मार के ख़त्म किया उसको बोला। ओके सो नेक्स्ट फाइट वी गॉट इज रेज नोड पे थिंग, बट डजंट मैटर टू मच क्योंकि हमें उसको हिट तो करना है नहीं, तो उसका रेज ट्रिगर होगा नहीं, फ्यूरीज ट्रिगर नहीं होगी, लेकिन रेज एक्चुअली ना वो वर्क करेगा क्योंकि क्वेक पता नहीं, लेकिन क्वेक रेज बाईपास नहीं कर रहे थे यहाँ पे, तो इसको मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि ये थोड़ी बोरिंग फाइट थी, ठीक है। ये देखिए 1.5 स्पीड कर दिया मैंने यहाँ पे इसकी। ये देखिए हो गया डाउन,
एक्चुअली बहुत टाइम नहीं लगा लेकिन बोरिंग था फाइट। तो नेक्स्ट फाइट है हमारी ब्लैक विडो क्लेयर वॉयंट अग्रेसन प्रावस नोर पे शायद ये। इसको भी क्वेक के आज क्वेक ने धमाल मचा दिया भाई AEW में। पूरा पाथ भी कंप्लीट कर लिया विदाउट किल्स एंड 2 महीने भी ले लिया। तो इस पे नोट्स हाँ अग्रेसन प्रावस हाँ ठीक है उसको कहाँ SP मारना और हमें बेट करना तो हमें टेंशन लेना है अग्रेसन प्रावास का। तो ये भी क्विक कर लेगी आराम से और ये पाथ की शायद लास्ट फाइट होगी। इसके बाद हम जाएंगे मिनी बॉसेस पे। तो फर्स्ट मिनी बॉस मैंने लिया हुआ है वो है मैन थिंग विगरस असॉल्ट पे और सेकंड वाला है अपने मिडल वाला जो होता है हजार शिफ्ट वाला होता है उस पे लिया है मैंने गिलोटिन 2099। तो ये सिंपल सी फाइट है क्विक के लिए बस क्विक एंड शेक करे जाओ और कुछ नहीं है। और चार चार शायद आफ्टर शॉक में डाउन हो जाएगी ये ब्लैक विडो क्लियर पॉइंट। ये देखिए इजी सोलो अराउंड 1 मिनट इनफ। ओके सो नेक्स्ट वी गॉट मिनी बॉस। ओके तो फर्स्ट मिनी बॉस इज थिंग सॉरी मैन थिंग है। तो इस पे नोट्स क्या है कि विगरस असॉल्ट है और कुछ नहीं लेकिन इसकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है 235 के। दैट्स बिग हेल्पफुल फॉर R5 चैम्प। लेकिन हम इसको विदाउट बूस्ट करेंगे ठीक है। हार तो होने वाली नहीं है फाइट लेकिन थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। कभी रुक रुक के कॉम्बो मारता है जैसे कि 2 हिट मारा फिर वेट कर लेता है फिर से 3 हिट मारता है ऐसे कर रहा है। पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी ये यहाँ पे लेकिन फिर भी हो गया बड़े आराम से। ये देखिए अराउंड 1 मिनट हो गया फाइट में और वो डाउन हो गया असासिन्स रेंज में। दैट्स सो फास्ट एक्चुअली नाइस डन इजी सोलो। ओके सो नेक्स्ट फाइट इज लास्ट फॉर टुडेज वॉर वीडियो विच इज गिलोटिन 2099 ऑन हजार सेफ नोट ठीक है। तो ये भी होगा परफेक्ट क्विक फाइट। अगर यहाँ फ्लो के जगह पे अपना स्टबन रहता तो यहाँ क्वेक के जगह पे आ जाती अपनी घोस्ट। घोस्ट से हो जाता फिर इसको। यहाँ पर भी हम बूस्ट यूज नहीं कर रखे क्योंकि आई वॉज इनफ कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा सोलो विदाउट बूस्ट भी। और इस फाइट में ना AI बड़ा अग्रेसिव पता नहीं क्यों इतना अग्रेसिव रहती हो क्योंकि स्टन इम्यून जो होते हैं वो ज्यादातर अग्रेसिव ही रहते हैं। तो ये भी वन ऑफ देम थी और हजार सिर्फ
तो मैटर करता नहीं क्योंकि हम उसको हेट करेंगे नहीं, ठीक है, तो हमें कुछ लगने वाला है नहीं, इंसिनरेट या पॉइजन वगैरह। ये देखिए अराउंड 1 मिनट हो गया फाइट में और 50% डाउन भी हो गई यहाँ पे गुल्ली। ये देखे अगेन अंडर 2 मिनट की लाएगा ये भी, एंड देयर वी गो बॉयज। ओके गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वॉर वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड इट। अगर मजा आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, थैंक यू।